हमें इसके जैसा जितना हो सके उतना नियरेस्ट कुछ मोटिव को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी इसका मेन जो लुक है, जैसे कि कहीं पे फ्लावर है, कहीं पे स्लैश इफेक्ट है, एंड इवन हम इसको ऐसे जनरेट भी कर सकते हैं गाइस। कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, इसका पूरा फाइल ले लिया एंड थोड़ा सा गॉजिंग डालना, हल्का सा 0.5 अथवा 1 पिक्सल का गॉजिंग डालना ले सकते हैं। अब इसको फिर से हम सर्च करते हैं एक बार, उसके बाद हम AI से जनरेट तो डेफिनेटली करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ब्लू एंड व्हाइट बैकग्राउंड विथ अ लॉट ऑफ ब्लू व्हाइट स्पॉट सरफेस प्लूरल, कुछ आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें मोटा मोटी एक एग्जांपल्स मिला। अब यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हमने वो पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को कॉपी किया नोट से, हम अलग अलग जनरेट कर करके देख सकते हैं। देखिए इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, दिख रहा है फ्लावर्स का भी इफेक्ट दिख रहा है, साथ साथ में जो स्प्लैश इफेक्ट है उसका भी आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, दिख रहा है आपको। तो आपको थोड़ा सा इसका डीप में जाना रहेगा, तो आपको इस तरीके का मोटिफ का ही जो मेन फ्लोरल इफेक्ट का टेक्सचर्ड है वो आपको अलग अलग मिलते जाएगा, जो आप वहाँ पे अपना डिजाइन में काम लगा सकते हो कॉपी में, एंड डायरेक्टली आप फोटोशॉप में जाके चेक कर सकते हो उसका सिमिलर कुछ आपको मिल रहा है कि नहीं। आइडिया लगा आपको, मैं जो आपको जो प्रोसेस आपको बताया, AI को यूज कैसे करना होता है, आप